जी नाजिन, अभी हम यहाँ आज शब्बीर बिरयानी सेंटर पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ वकास मौजूद हैं, वन ऑफ दी ओनर। आज हम उनसे जानेंगे उनकी स्पेशलिटीज़ के हवाले से कि उनकी कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ है और यहाँ पे वो किस किस्म की जो फूड है उसको यहाँ पे कस्टमर को सर्व करें, उसका टेस्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत से। वकास ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे आपकी सबसे पहले स्पेशलिटीज़ क्या है और यही अल शब्बीर बिरयानी हैदराबादी जायके में कैसे जहन में आया? सर ये बिल्कुल हैदराबादी जायका ऐसे जहन में आया कि मुझे हैदराबादी टेस्ट काफ़ी पसंद था, ठीक है। तो क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ हर वीक जाता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेस्ट कराची में लाया जाए, लोगों को और मुतारिफ़ किया जाए इससे। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे ये टेस्ट लाया हूँ। अच्छा, वहाँ पे एक हमारी ब्रांच है लतीफ़ आबाद 11 नंबर में, जो कि मेरे कज़न के नासिर बिरयानी, वो बहुत काफ़ी फेमस है। तो वही टेस्ट सेम हम यहाँ पर ब्रांच हमने ओपनिंग की है। ठीक है, अच्छा तो स्पेशलिटी इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्पेशलिटी में सर हमारा बीफ का यखनी पुलाव है, ठीक है, चिकन टिक्का पुलाव है, गोलत्ती हमारी ख़ास स्पेशली है, वो देसी घी से तैयार करते हैं, प्योर ड्राई फ्रूट और मावा वगैरह जो खोया जिसे कहते हैं आप आम लैंग्वेज में, वो है, ठीक है। बीफ कोरमा, चिकन कोरमा, दानेदार। अच्छा, स्पेशल चीज़ है हैदराबादी चना बिरयानी भी है। चना बिरयानी भी, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जी, वो भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम चना बिरयानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे हम आगे और मज़ीद इस पर करेंगे, आगे चीज़ें बढ़ाएंगे। नाजिन, इन्होंने जो अपनी स्पेशलिटीज़ बताई है उस स्पेशलिटीज़ में इनकी जो बेसिकली यखनी पुलाव है, फिर टिक्का बिरयानी है और चना बिरयानी है, उसकी हम रेसिपी हम जानेंगे आपको, हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि यहाँ पे ये समनाबाद के लोगों को और वाटर पम्प के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे शब्बीर की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल ये कि हैदराबादी न्यू टेस्ट है, यखनी पुलाव है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें और इंशाल्लाह अपनी फैमिली को भी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लजीज टेस्ट है इसका, यूनिक टेस्ट है, तो प्लीज़ ट्राई करें, एक दफ़ा ज़रूर आएँ इंशाल्लाह, एक बार ज़रूर आएँ मेरे कहने पे, अली भाई के कहने पे। बिल्कुल ज़रूर आएँ, वेन एवर यू विजिट ऑन समनाबाद, समनाबाद वाटर पम्प शोरंग, गुलबर्ग शोरंगी, मस्ट विजिट नियर टू द बॉम्बे, बॉम्बे निमको, सो मस्ट विजिट ऑन शब्बीर बिरयानी से, बिकॉज दे आर गिविंग ए हैदराबादी टेस्ट, दे हैव अ स्वीट्स एज वेल इन द गुलत्ती, सो मस्ट विजिट एंड यू विल सी द फ्रेंडली इन्वायरमेंट एज वेल। सो हम आखिर में जानेंगे कि होम डिलीवरीज के हवाले से, कि होम डिलीवरीज के हवाले से वकास को शुरू किया आपने अभी तक? सर होम डिलीवरी इंशाल्लाह सब चीज़ें मेरी तमाम लाइनअप हैं, होम डिलीवरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी मेरी, नेक्स्ट वीक से हो जाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह होम डिलीवरी नेक्स्ट वीक से, और तमाम हम लोग रेसिपी शादी ब्याह के ऑर्डर भी रिसीव करना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक से। अच्छा, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बता दें जिस पर कोई भी अगर फूड आपका ट्राई करना चाहता है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे? ठीक है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता जी, बता दें 0334-320-4004। नाजिर आप ये सकते हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर वकास भाई ने अभी टाइम बताया, इस नंबर पे आप कॉल कर इनको किसी भी चीज़ के शादी भी या तकरीबात की ऑर्डर कर सकते हैं, और इस टाइम पे पिक नहीं है, इस टाइम पे एक्चुअली जो है ना वो पिक नहीं है, सिर्फ ड्रॉप का है यहाँ पे, आई थिंक ड्रॉप मतलब आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इस टाइम पे, तो ये कि आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं अपना फूड और आपको एक मज़ेदार हैदराबादी जो बेसिकली वो होता है चरगा आपका जो है हैदराबादी, एक वो भी तो है आपका कोरमा, क्या नाम है? बीफ दानेदार कोरमा, बीफ दानेदार, वो भी हैदराबादी, बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल है। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वक्त में हैदराबादी टेस्ट लेंगे यहाँ पे, हैदराबादी टेस्ट लेंगे। तो नाजिन वकास भाई के साथ हमारी बेस्ट विशेस है शब्बीर के साथ, कि वो इसी तरीके से अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए और लोगों पाकिस्तान के और हमारे कराची के स्पेशल लोगों को एक मज़ेदार टेस्ट देते रहे। इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मज़ीद इनकी फर्म के बारे में। जी नाजिन, हम यहाँ पे अल शब्बीर पकवान सेंटर के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं उनके किचन में, और यहाँ पे बेसिकली जो हैदराबादी जो डिशेस है वो यहाँ पे ज़्यादा मकबूल है, यहाँ का हैदराबादी कोरमा हो या यहाँ की गुलत्ती हो, यहाँ पे बहुत टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इनके किचन में मौजूद हैं और हम जानेंगे कि किचन में उनकी जो तमाम चीज़ें बन रही हैं उसकी रेसिपी क्या है। हमारे साथ वन ऑफ दी शेफ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर ये बताइए सबसे पहले कि अभी आप ये क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ है ये? बिरयानी बना रहे हैं, बीफ बिरयानी है, ठीक है जी, और अपने ज़ाती मसाले हैं, ज़ाती मसाले अपने तैयार कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तैयार करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर 12 मसाले हैं। अच्छा, 12 मसाले डालते हैं, ठीक है जी। तो इसमें नाम बताना चाहिए? हाँ, जीरा है, जायफल है, जावत्री है, बादियान है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये अपना दालचीनी है, और अपने टमाटर हैं, नींबू हैं, हरी मिर्चें हैं, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ ज़रा साजिद थोड़ा सा दिखाइएगा ये। नाजिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने सबसे पहले इसका सालन बनाया है, और ये बनाना है बीफ पुलाव, आई थिंक सो बीफ पुलाव है, बीफ पुलाव जी, ठीक है। अच्छा, एक दिन में कितने ये कितने लोगों के लिए बना रहे हैं कम से कम आप? ये तकरीबन खाएंगे इसको 50 आदमी।
50 आदमी जी, तो मेरे ख्याल से ये 8 किलो तो समथिंग कुछ ऐसा बनेगी, 4 किलो जी जी, 8 किलो करीब। अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है बीफ पुलाव लोग पसंद करते हैं, लोग बीफ पुलाव की इधर ज़रूर मार्केट है ये समझ लें। अच्छा, हैदराबादी हैदराबादी जो डिशेज़ हैं उनकी जो बनस्बत दूसरी बिरयानी से ज़्यादा मुख्तलिफ रेसिपी होती है, आपकी क्या होती है? हमारी उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। अच्छा, और हम जो है गुलत्ती भी बनाते हैं, बहरहाल वो अभी गुलत्ती जो है तैयार नहीं करी हुई। हाँ, ख़ास कोई ऐसी चीज़ डालते हैं इसमें? हाँ डालते हैं हम, खास ऐसी चीज़ बात नहीं कि नहीं, अपने हाथ के जो नॉर्मल जो रेसिपीज होती है उससे ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मसाले ज़्यादा होते हैं, मसाले ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, और ऑयल वगैरह हम जो है वो ज़्यादा रखते हैं इसमें, ज़्यादा रखते हैं। हाँ, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इस तरीके का, रोगनी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी जी जी, रोगनी जो है मांगते हैं लोग बाग, तो हमें देनी पड़ती है। ठीक है नाज़रीन, साजिद थोड़ा सा इनको दिखा दें यहाँ पे फोकस करके, कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये तकरीबन 50 लोगों का जो है खाना इस टाइम पे बन रहा है, और 50 लोग तकरीबन इसको सर्व करेंगे। यहाँ की ये फेवरेट पुलाव है बेसिकली, ये क्या बीफ पुलाव, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद से खाते हैं। जी नाजी, हमारे साथ अभी वन ऑफ़ दी कस्टमर्स मौजूद हैं अल शबीर बिरयानी सेंटर में, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके टेस्ट के वाले से और कितने अरसे यहाँ पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा, ये बताइए कि अल शबीर कितने अरसे से आ रहे हैं और यहाँ का टेस्ट आपको कैसा लगता है? मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास है। खैर, मैं लोगों को भी मशवरा दूंगा कि यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, कि इसके जो ये जो इनकी स्पेशलिटी है बीफ पुलाव की, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है आप? अब्दुल हनान। हनान, ये बताइए कि कैसा लगा आपको अल शबीर का टेस्ट? फर्स्ट टाइम है माशाल्लाह, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। टेस्ट आस पास के लोगों को, वाटर रूम के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे शबीर? आएँ टेस्ट करें, घर वालों को भी लेकर आएँ, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, फैमिली के लिए भी अच्छा है, लेकिन टेस्ट करें। ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल। अस्सलाम सर, आपका? मेरा नाम उबैद अहमद। उबैद, सबसे पहले बताइए कि अल शबीर का टेस्ट कैसा लगा और क्या पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ से इनके काउंटर से पार्सल लेके गया था, तो घर पे लेके गया तो काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, मेरी वाइफ़ ने काफ़ी तारीफ़ करी थी, तो आज हमारा सेकंड एक विज़िट है, तो अपने वाइफ के साथ हम आज यहाँ पे आके आपने पहली दफ़ा है क्या? जी। अच्छा, ट्राई कर ली, आप खा चुके हैं? जी, हमने बीफ पुलाव खाया था अभी, और अब चिकन टिक्का खा रहे हैं। चिकन टिक्का खा रहे हैं जी। कैसी लगी आपको बीफ पुलाव? बीफ तो बहुत ही अच्छा था, और अभी चिकन टिक्का की देखते हैं क्या है। लुक वाइज नाइस। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नूर के लोगों को अल शबीर की तरफ से? फ्रेंड्स उनको और सबको यहीं पर लाएंगे, क्योंकि पुलाव यहाँ पे पूरी पट्टी में सिर्फ यहीं का अच्छा है, और बॉटम हमसे भी अगर आप देखें तो कहीं पे नहीं है, हैदराबादी मशहूर पुलाव, तो यहाँ पे हम जरूर बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरबुल अव्वल। ये बताइए सबसे पहले कि आपको यहाँ के शबीर की सर क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? सब खाने अच्छे हैं यहाँ के। सब खाने अच्छे, सही है। आप सब ट्राई किए आपने? किया हमने इधर। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा? हमारे तो पुलाव अच्छा लगता है भाई, हम रोज़ पुलाव खाते हैं। रोज़ पुलाव खाते हैं। अच्छा, कोई ख़ास बात पुलाव की, मतलब हैदराबाद की ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आती हैं उस चीज़ में? बस अच्छा लगता है यार पुलाव में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, ये बताइए कि शबीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और कितने से आ रहे हैं? मुझे तकरीबन अभी अच्छा खासा टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि इधर का जो पुलाव है ना, उसकी मतलब बहुत आउट क्लास है। अगर आपने पुलाव नहीं खाया अल शबीर का, तो कुछ भी नहीं खाया, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है, तो इंशाल्लाह फिर ये कि मैं अपने दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ, विज़िट करें, अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है। मतलब एक आप मतलब बिरयानी जो है वो कराची में बेहतरीन है, अगर आप शौकीन हैं, और अक्सर जो है मैं ये कहता हूँ कि शौकीन लोग काफ़ी हैं, तो उनको मेरा ख्याल यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। कहाँ से आते हैं? ये ब्लॉग पीछे से ही, पीछे से करीब ही रहते हैं। हाँ जी, गुलबर्ग में। जी नाजीन, आप अल शबीर पकवान सेंटर में हमें मौजूद है, बिरयानी सेंटर में, और हमारे साथ वन ऑफ द ऑनर वकास मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि नॉर्मल बिरयानी
और हैदराबादी बिरयानी की क्या बेसिकली डिफरेंट रेसिपीज होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा वकास, ये बताइए कि नॉर्मल बिरयानी की और हैदराबादी की क्या रेसिपी होती है? सर नॉर्मल बिरयानी की और हैदराबाद में बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मल बिरयानी जो कराची में चलती है तय वाली चलती है, ठीक है, इसके चावल उबालने का अलग तरीकेकार है, और जो हैदराबादी का स्टाइल है इसका तरीकेकार अलग है। इसके हम मसाले खुद पीसते हैं, बाहर के मसाले यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये वाली जो हैदराबादी है इसका थोड़ा पकाने का भी तरीकेकार अलग है। जिस तरीके से अभी हमने पिछले देखा कि किस तरीके से आपने रेसिपी जानी है, अच्छा कोई ख़ास ऐसी चीज़ बता पाएंगे कि एक नॉर्मल बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में कुछ चीज़ ज़्यादा डलती है, कोई ऐसी चीज़? सर एक तो चावल का कुछ इशू होता है, ठीक है, चावल जो भीगता है, पानी कम, ये एक तो इशू होता है, और दूसरा मसालों का है। मसालों इसमें पीस के डलते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसमें कोरमा पहले बनता है, ये मेन डिफरेंट है इसका। अच्छा मतलब सी भी है जी, ठीक है। अच्छा आपकी गुलत्थी यहाँ पे बड़ी फेमस है, सही है, मीठे के हवाले से आपका कोरमा बहुत ज़्यादा फेमस है, हैदराबादी कोरमा, तो अभी क्या कहेंगे आसपास के लोगों को मैसेज देना चाहें? सर बिल्कुल ट्राई कीजिए, हमारी गुलत्थी भी ट्राई कीजिए, कोरमा भी ट्राई कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बीफ तो हमारा है ही अच्छा, तो आप ट्राई कीजिए, हमें बताइए रिस्पॉन्स, ताकि हम इस पर और बेहतरी करें, मज़ीद कोई कमी बेशी हो तो भी बताइए इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह के हुक्म से कमी बेशी है नहीं, फिर भी आप लोग बताइए, ट्राई ज़रूर कीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हर कस्टमर हो या यहाँ का ऑनर हो, अपने अल्फाजों में ये बयान कर रहा है कि अलशबीर बिरयानी सेंटर की चाहे गुलत्थी हो या फिर बीफ पुलाव हो, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज हम यहाँ पर अलशबीर हैदराबादी पुलाव सेंटर में मौजूद थे, और उसकी एक अलग ही सकावत है हैदराबादी फूड की, यहाँ का चाहे गुलत्थी हो या यहाँ का बीफ पुलाव हो, वह अपनी एक अलग सकावत लगता है। यहाँ का कोरमा हो, वो एक अपनी ट्रेडिशनल फूड में एक अलग ही मज़ा लगता है, उसके मसाले अलग होते हैं, उसकी हर चीज़ अलग होती है। मैं आपका मेज़बान अली हुसैन आज यहाँ पे गुलबर्ग में अलशबीर हैदराबादी पुलाव सेंटर में मौजूद था। नेक्स्ट वीक एक नई फॉर्म के साथ मुलाकात होगी, जब तक रिजा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।